करहल क्षेत्र में पड़ने वाला ग्राम बघेरा का पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यहां आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां किसी दिन बड़े हादसे का भी डर बना रहता है। यहां के निवासियों ने पुल को सही कराए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। करहल सिरसागंज मार्ग पर ग्राम बघेरा के पास सिंहपुरा नदी का पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके दोनों तरफ गड्ढे हो गए हैं। पहले भी पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तब मार्ग पर वाहनों का आना जाना कुछ दिनों के लिए इंजीनियरों ने बंद करा दिया था। कुछ दिनों पूर्व ही PWD अधिकारियों ने मरम्मत करके जब पुल को दुरुस्त कर दिया तो इस पर यातायात पुनः चालू हो गया। अब यह फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अभी इस पर वाहनों का आवागमन जारी है। इंजीनियरों के मुताबिक पुल काफी पुराना हो चुका है, साथ ही इस मार्ग पर यातायात का दबाव काफी अधिक है। खासी तादाद में भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ऐसी हालत में क्षतिग्रस्त पुल से भी यातायात जारी रहने पर बड़े हादसे की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। मेरा नाम बीटू यादव है और मैं नंगला दिख का निवासी हूँ। और ये जो पुल देख रहे हैं आप जी, ये बड़ा जर्जर हो चुका है। इसमें अगर भारी वाहन गुजरता है तो ये कभी भी टूट सकता है। मेरा नाम शर्मा यादव जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला सामन सर। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? सर ये समस्या है, ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये गड्ढे दिख रहे हैं, ये साबरामपुर बघेरा के नाम से फेमस है ये पुल सर। ये गड्ढे जो है यहाँ पे असंतुलित होकर वाहनों की जो रफ्तार है, कभी तो रात में कोई भाई बड़ा बूढ़ा भी निकल जाता है साइकिल वाइकिल से तो दिक्कत रहती है, और बड़े वाहनों का खास तौर पर डर रहता है भाई। यहाँ पे कभी भी ये पुल टूट सकता है, इसकी कोई वो नहीं है, नहीं तो इसका कोई देखभाल करने वाला है। और राजनेताओं का जो भी खेल है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं। हाँ, और ये ओवरलोड वाहनों का भाई खास तौर पर खतरा रहता है यहाँ पे। जैसे ओवरलोड कोई वाहन है, ये जॉइंट वॉइंट अभी गुजर कर हुआ, ये काम चला दिया गया था यहाँ पे, अब तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलोड वाहनों का जो है रफ्तार सही यहाँ से नहीं निकल पाता है। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड, भोजपुरा, मैनप्री। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों को समुचित सहायता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड, भोजपुरा, मैनप्री। बालाजी ग्लोबल एकेडमी, बालाजीपुरम, कोतवाली के पीछे, मैनप्री। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था। बालाजी ग्लोबल एकेडमी, बालाजीपुरम, कोतवाली के पीछे, मैनप्री।